सबसे पहला जो अहम तनाव है, जो टेंशन है, वो है स्वास्थ्य का टेंशन। अगर आपको सेहत को लेकर के टेंशन रहती है तो मामला क्या है, आम तौर पर चंद्रमा या बुध अगर कुंडली में कमजोर हो तो आदमी अपनी सेहत को लेकर के टेंशन पालता है। मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह की टेंशन आदमी के साथ लगी रहती है। कर्क, वृश्चिक, मीन और कुंभ राशि वालों को सेहत की चिंता ज्यादा होती है, सेहत की टेंशन ज्यादा रहती है। अगर आपको सेहत की टेंशन रहती है तो क्या उपाय करेंगे, स्नान करने के बाद हल्की सुगंध अपने शरीर में लगाइए, रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करिए और जहां तक संभव हो नशे से दूर रहिए। अगर आपको टेंशन तनाव अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के हो, तो क्या मामला है, आम तौर पर शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हो जाए तो वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव ज्यादा होता है या वैवाहिक जीवन के मामले में टेंशन ज्यादा होती है। वृष, कन्या, मकर और कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन की चिंता, वैवाहिक जीवन की टेंशन ज्यादा रहती है। क्या करना चाहिए, काले रंग का प्रयोग कम से कम करें, शिवलिंग पर नित्य प्रातः रोज सवेरे जल अर्पित करें, बहुत ज्यादा तीखा खाना ना खाएं। अगर ये प्रयोग आप करें, भगवान शिव की शरण में जाएं, शिव जी की पूजा करें, तो बहुत हद तक ये संभावना बनती है कि आपका वैवाहिक टेंशन जो है वो दूर हो जाएगा। अब अगर आपको टेंशन है अपनी संतान को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के या बच्चों के जीवन को लेकर के, तो मामला क्या है, बृहस्पति और राहु का संबंध होने से या बृहस्पति के कमजोर होने पर संतान को लेकर के तनाव होता है, संतान को लेकर के टेंशन होती है। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को संतान को लेकर के चिंता ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध ना करें, घर में शांति बनाए रखें, हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीले रंग का खूब प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपको टेंशन हो रही है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह होने को लेकर के अगर आपको टेंशन हो रही है, तो क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, शुक्र और बृहस्पति अगर कमजोर हो कुंडली में तो विवाह होने को लेकर के टेंशन होती है। मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वालों को ऐसी टेंशन ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए, भगवान सूर्य को हल्दी मिला करके नित्य प्रातः जल अर्पित करें, मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की उपासना करें, खट्टी और तीखी चीजें ना खाएं।